बुधवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय आह्वान पर प्रांतीय स्तर पर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लखनऊ को प्राप्त कराए गए नोटिस एवं क्षेत्रीय स्तर से क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मुरादाबाद को प्राप्त कराए गए नोटिस के क्रम में क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत स्तर व क्षेत्र स्तर पर लंबित समस्याओं के निदान हेतु परिषद के प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारी कर उनका निदान कराने का आश्वासन प्रत्येक वक्ता साथी द्वारा दिया गया। धरने में मुरादाबाद क्षेत्र में कार्यरत परिषद की 14 प्राथमिक शाखाओं के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। आज उत्तर प्रदेश व मुरादाबाद क्षेत्र की कर्मचारियों को समस्याओं को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश के महामंत्री व क्षेत्रीय मंत्री मुरादाबाद क्षेत्र के द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक व प्रबंध निदेशक महोदय को महामंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा एक नोटिस प्रेषित किया गया, जो समझौते पूर्व में शासन और निगम प्रबंधन स्तर पर हो चुके थे उसका क्रियान्वयन निगम प्रबंधन व शासन द्वारा नहीं किया जा रहा था। वह मुरादाबाद क्षेत्र में प्रबंधकों द्वारा रोडवेज परिषद के पदाधिकारियों सक्रिय कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक अभियान चलाकर उनका शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा था। 31 तारीख को उत्तर प्रदेश के महामंत्री द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया और उसमें यह निर्णय लिया गया कि एक दिवसीय धरना प्रदेश के मुखिया प्रबंध निदेशक महोदय व क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री मुरादाबाद जो 20 सूत्री मांग पत्र पर क्षेत्रीय प्रबंधक व डिपो स्तर पर समझौते संपन्न हो चुके हैं उनका क्रियान्वयन न करने पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाए, जिसको लेकर आज धरना किया जा रहा है। और मुरादाबाद क्षेत्र की जो इस समय सहायक क्षेत्र प्रबंधक हैं, जो नंबर वन पर कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न रामपुर डिपो के सहायक क्षेत्र प्रबंधक एस के नागर जी द्वारा किया जा रहा है, उन्होंने उस रामपुर डिपो को क्षति की तरफ ले गए हैं। 5 महीने के कार्यकाल में उन्होंने एक तरफा अभियान चलाकर रोडवेज परिषद को तोड़ने की पूरी साजिश रची है। और भी अन्य सहायक क्षेत्र प्रबंधक हैं जो परिषद पदाधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। जब तक ये शोषण और उत्पीड़न मुरादाबाद क्षेत्र के कर्मचारियों का बंद नहीं हो जाता, वह उत्तर प्रदेश के 11 सूत्री मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इस कार्यक्रम की अग्रिम घोषणा प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में की जाएगी। इनका अप्रैल में मुख्यालय स्तर पर एक समझौता हुआ था, उसमें से अधिकतर डिमांड पूरी कर दी गई हैं, कुछ शेष हैं उनके लिए ये मुख्यालय के निर्देश पर, इनके प्रांतीय कार्यालय के निर्देश पर ये धरना दिया जा रहा है। क्या मुख्य मांगे धरने? मुख्य मांगों में तो संविदा की सैलरी के संबंध में है और बाकी डीजल या इनकम के आधार पर जो कटौती हो रही है उसके संबंध में अन्य भी कुछ डिमांड है। धरने में प्रमुख रूप से सत्यवीर सिंह, डी के सक्सेना, जयवीर सिंह, रागिनी सक्सेना, विजयपाल सिंह, नरेश राजपूत, एसपी सिंह, सुबोध कुमार, रविपाल, राजवीर सिंह, नरेश कुमार, उदयवीर सिंह आदि लोगों का सहयोग रहा। इस धरने की अध्यक्षता चंद्रभान सिंह ने की, वहीं संचालन रामेश्वर दयाल भारती व क्षेत्रीय मंत्री द्वारा किया गया।